बसपा इनेलो गठबंधन दे रहा है विरोधियों को सीधी टक्कर। घोषणा पत्र ने उड़ाई भाजपा कांग्रेस की रातों की नींद। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। कुछ ही दिनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन तमाम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां कहने की अपने अब जनाधार को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में हरियाणा से बड़ी खबर निकल कर आई, जहां पर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल के माध्यम से गठबंधन हो चुका है और इस गठबंधन के जरिए एक ऐसा घोषणा पत्र जारी किया गया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पूरी तरीके से रातों की नींद उड़ चुकी है। तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने चुनाव के दौरान जिस तरीके से बड़े बड़े वादों के चलते जिन मंचों के आधार पर जो जुमले फेंकने का काम करते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद, सरकार बन जाने के बाद इन तमाम जुमलों के पीछे की सच्चाई पूरी तरीके से उजागर हो जाती है। लेकिन बात अगर कर की जाए बहुजन समाज पार्टी को लेकर, तो बहुजन समाज पार्टी एक बात हमेशा से करती है, हम अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करते। और लेकिन हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी की कथनी और करनी में कभी भी अंतर नहीं देखा गया है। जो जो बात बहुजन समाज पार्टी के जरिए की जाती है वो बात कहने की पूरी होती भी दिखाई देती है। बहुजन समाज पार्टी का जो चार बार का शासन काल रहा, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में अब इस गठबंधन के जरिए एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, जो घोषणा पत्र काफी कुछ कहता है। आखिर इस घोषणा पत्र में क्या कुछ दिया गया है वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी और इनलो गठबंधन के जरिए जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, ये सबसे खास तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि और रोजगार, ये तमाम मुद्दों को लेकर कहने के घोषणा पत्र दिखाई देता है। और इसके साथ साथ तमाम अहम जो चीज है वो भी इस घोषणा पत्र में पूरी तरीके से नजर आ रही है। ऐसे में सबसे पहले अगर आप बात करें तो पढ़े लिखे जो नौजवान है, इन तमाम नौजवानों को नौकरी देने की बात इस घोषणा पत्र में की गई है। तमाम राजनीतिक पार्टी के जरिए बात कही जाती है कि हम 2 करोड़ का रोजगार देंगे, लेकिन आज तकरीबन 10 साल की सरकार हो चुकी है और तीसरे बार फिर एक बार एक बड़ा मौका दिया गया है। हरियाणा के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ऐसे में इस सरकार के माध्यम से भी बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसके आंकड़े भी अब सार्वजनिक तौर पर देखे नहीं जा सकते। तो पढ़े लिखे लोगों को, जो नौजवान है, उन्हें रोजगार देने की बात घोषणा पत्र में की गई है। इसके साथ साथ बेरोजगारी भत्ता की भी बात इस घोषणा पत्र के माध्यम से की गई, जिसमें तकरीबन 21,000 रुपए जो है वो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये बात कही गई है कि 1 तारीख जब आ जाएगी तो महीने की 1 तारीख पर गैस सिलेंडर जो है वो प्रत्येक परिवार को मुफ्त देने का काम किया जाएगा और परिवार में जो गृहिणी है उन गृहणियों को तकरीबन 1100 रुपए भी देने की बात इस घोषणा पत्र में की गई है। तमाम जो लोग भूमिहीन है उन भूमिहीन लोगों को 100 गज के जो प्लाट देने की बात घोषणा पत्र में की गई है और जिनके पास में मकान नहीं है उनको पक्का मकान भी बना दिया जाएगा। मतलब कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये बात, ये नारा बहुजन समाज पार्टी के जरिए लगाया जाता है। ये घोषणा पत्र कहता है कि जो लोग भूमिहीन है, जिनके पास में खुद की जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे और जिनके पास पक्का मकान नहीं है उन्हें पक्का मकान भी बना दिया जाएगा। बिजली को मुफ्त देने की बात इस गठबंधन के घोषणा पत्र में की गई है। ये बात सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है कि जहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां इतनी बिजली मुफ्त देंगे उतनी बिजली मुफ्त दे देंगे ऐसा आंकड़ा कहने की बताने का काम करते हैं, लेकिन ये गठबंधन का दावा है कि पूरी की पूरी जो बिजली है वही वो मुफ्त देने का काम करेंगे। मतलब कि जो है बिजली मुफ्त प्रदेश बनाने का काम ये इस गठबंधन के जरिए किया जाएगा। और आखिर इसके पीछे का क्या सॉल्यूशन है, इसके पीछे किस तरीके से निवारण किया गया है, इसका भी कहने का पूरा पूरा प्लान इस गठबंधन के जरिए दिया गया है, जिनका ये मानना है कि सोलर पैनल प्रत्येक घरों में लगाया जाएगा
और वो भी पैनल जो है वो सोलर पैनल जो है वो भी मुफ्त लगाने का काम किया जाएगा जो कि सरकार के माध्यम से होगा। और तकरीबन 70% जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, 70% जो बिजली उत्पन्न होगी उसमें सब्सिडी मिलने का काम किया जाएगा, और 30% जो बिजली है वो सरकार को लौटाने का काम किया जाएगा, और वो 30% जो बिजली है वो तमाम फैक्ट्री और कारखानों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। ऐसा प्लान इस गठबंधन के जरिए बिजली मुफ्त प्रदेश बनाने का जो वादा किया गया है। इसके साथ साथ तो तमाम जो बुजुर्ग है उन बुजुर्गों को भी मुफ्त जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी, पेंशन देने की बात की गई है। जो पुरानी पेंशन जो कहने की ठप पड़ी हुई है, रुकी हुई है, उस पुरानी पेंशन को भी लागू करने की बात इस गठबंधन के घोषणा पत्र में दिखाई पड़ रही है। तमाम बुजुर्ग लोगों को मुफ्त का जो है वो स्वास्थ्य है वो मुहैया करवाया जाएगा। सरकारी जो अस्पताल है उन्हें बेहतर स्थिति में लाने का काम किया जाएगा, और हर 15 किलोमीटर पर एक सरकारी जो अस्पताल है उसे बनाया जाएगा, और तमाम अस्पतालों में जो डॉक्टर्स है, तमाम जो स्वास्थ्य के लिए लगने वाले जो कर्मचारी है उन तमाम कर्मचारियों को भी बढ़ोतरी वहां पर की जाएगी, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं में भी रोजगार पाने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक नया मार्गदर्शन मिल सके, उन्हें एक नई इंस्पिरेशन तमाम इन चीजों से मुहैया हो पाए, ये भी इस गठबंधन का दावा है। तो ये मतलब ये साफ है कि पूरी तरीके से शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो और उसके साथ साथ कृषि, इन तमाम मसलों को लेकर ये पूरा का पूरा गठबंधन अब पूरी तरीके से तैयार है, और ये गठबंधन में तमाम चीजें पूरी तरीके से अब कहने की दिखाई दे रही है। तो आपने समझ पाया है कि आखिर ये गठबंधन अब हरियाणा में तकरीबन 37 सीटों के साथ जो बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल है, और बाकी की तमाम जो सीटें है वो इंडियन नेशनल लोकदल इनके पास में होगी। तकरीबन 90 विधानसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा की सीटों पर ये गठबंधन अब अपनी दावेदारी पेश किए हुए है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से अब ये चुनावी दावेदारी इस गठबंधन के जरिए होने वाली है, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में ये गठबंधन कितना ज्यादा कारगर साबित होता है और किस तरीके से इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर और तमाम जो घोषणा पत्र में दिए हुए चीजें है इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।